Dr. Najib Ghazi, Optic Family Dentist, 905-457-8661. Asian Food Center, Indian. Take it? Saaf Sutri Grocery Dinner. Take it? Okay. Last. Asian Food Center, 416-740-3262. जी सलाम करम, वेलकम बैक सलाम करम एंड नाज़रीन करम टू, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, एंड वेलकम बैक अगेन। एंड 6:09 हमारी घड़ी में हो चुके हैं, स्टिल ब्यूटीफुल गॉर्जियस 5 डिग्रीज टेम्परेचर, और इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। अगर आप फेसबुक पे, तो आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं हमें, और रेडियो टीवी पे भी हम आपको देख सकते हैं। तो आप भाई हर तरह से आप हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। डॉक्टर अदनान मेरे साथ हैं, स्पेशलिस्ट ऑफ क्रिकेटर। मगर क्रिकेट की बात करने से पहले डॉक्टर साहब, कल जो इंसिडेंट हुआ है न्यूजीलैंड में, उसके मुताबिक जरा। जी बिल्कुल जी, थैंक यू माजिद भाई, सबसे पहले आपको आज मुझे कॉल करने के लिए, यहाँ बुलाने के लिए। और अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स एंड फॉलोअर्स जो हमें फॉलो कर रहे हैं फेसबुक पे, ये आवाज़ के ऊपर, टेलीविजन, रेडियो के ऊपर, जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है। तो थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ माजिद भाई कि एक पाकिस्तान सुपर लीग जो एक बहुत बड़ी एक दास्तान है, इसके पीछे पीएसएल और एक कामयाबी की एक सीढ़ियाँ तय करते करते पाकिस्तान पहुँची और उसकी एक हाइप क्रिएट हो रही थी। ऐसे में एक इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ कि हमारे भाई जो हैं वहाँ पे, जो हमारे मुस्लिम भाई, जो एक इंसिडेंस हुआ, एक सॉरी इंसिडेंस हुआ, उसकी वजह से थोड़ा सा ये हुआ कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो है, हमने काफ़ी जल्दी हमने लाइव आना था और काफ़ी कुछ बताना था, लेकिन उसकी वजह से हमें थोड़ा सा होता है ना, मूड अप का चेंज हो जाता है, थोड़ा सा बिहेवियर जो है वो चेंजेस आई हैं इसी इंसिडेंस की वजह से। वी आर वेरी सॉरी, अल्लाह ताला हम सब मरहूमीन को जन्नत फिरदौस में जगह दे, एंड माई ही हार्ट ब्लीड्स फॉर द क्राइस्ट चर्च। आई स्ट्रांगली कंडेम कि जो कुछ ये हुआ क्राइस्ट चर्च में, दैट वॉज टोटली रॉन्ग एंड द डिसगस्टिंग कॉवर्डली एक्ट। इससे ज़्यादा बुजदराना कार्रवाई जो है वो नहीं देखी जा सकती कि इस तरह नहते लोगों के ऊपर, चाहे वो किसी कम्युनिटी से उनका ताल्लुक हो, मज़हब से हो, इस्लाम या कोई दूसरा, इंसान की बात करें तो कोई मज़हब दुनिया में या कोई ऐसी कम्युनिटी जो है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करती। बहुत से हमारे जो यूज़र्स हैं, वो जो फॉलोअर्स हैं और फेसबुक पे और ई आवाज़ के मैच पॉइंट के, वो शायद जानना चाहती हैं कि ये मैं उनके लिए थोड़ा सा लेके आया था, बताना चाहता हूँ कि क्राइस्ट चर्च के बारे में। क्राइस्ट चर्च बड़ा पुरसकून इलाका है। क्राइस्ट चर्च इज़ वन ऑफ द फेवरेट ग्राउंड्स ऑफ द पाकिस्तान, अलॉन्ग विद द एडन पार्क, जहाँ पर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 1992 का सेमी फाइनल खेला था। न्यूजीलैंड को ओवरऑल जनरली इस जो जजीरे हैं ये न्यूजीलैंड के और ऑस्ट्रेलिया के, खासकर अगर मैं न्यूजीलैंड की जाने पाऊँ तो उसको बहुत ही कहते हैं कि ये कम्फर्टेबल, काम और पुरसकून इलाके हैं, जहाँ सेहत को काफ़ी फ़रोग मिलता है। जैसा पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज हैं, यहाँ पर बहुत ही काम कम्यूनिटी है। तो ये बड़ा ही एक हैरत अंगेज इंसीडेंस था जो यहाँ पर हुआ। और आपको बताता चलूँ कि क्राइस्ट चर्च जो है, उसकी आबादी तकरीबन 4,55,000 के करीब है। ये यहाँ के मिसिस अगर टोरंटो से छोटी यहाँ वहाँ पर आबादी है, लेकिन जेल्ड बैक है। दिस इज़ द ईस्ट साइड ऑफ न्यूजीलैंड, और उनकी जो साउदर्न कोस्ट है उसका सबसे बड़ा सिटी है जो है क्राइस्ट चर्च है। इसके तीन जाने पे जो है वो पानी लगता है, जो है पानी है। और यहाँ पर जिन लोगों को नहीं मालूम, उनको बता दूँ कि क्रिकेट के हवाले से कि 2011 में यहाँ पर एक 2010 के सितंबर में अर्थक्वेक आया था, वो 7.1 मैग्नीट्यूड का था, जहां पर हैरत अंगेज तौर पे बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई, जहां पर कैथेड्रल चर्चेस थे वो तबाह हुए, और उसके बाद दोबारा कोई ह्यूमन डिस्ट्रक्शन वहां पर नहीं हुई, कोई ह्यूमन वहां पर कैजुअलिटीज नहीं हुई। और दोबारा 2011 के अगस्त में फिर एक दफा अर्थक्वेक आया, और इस दफा उसका मैग्नीट्यूड 6.9 था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बिल्डिंग्स को इतना मसला नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर काफी हिलाकते हुई और तकरीबन 137 कैजुअलिटीज हुई। तो वो बड़ा डार्क डे कहते हैं क्राइस्ट चर्च का। और उसके बाद यहाँ पर जो क्रिकेट ग्राउंड है वो डी शेप हो गया। उस क्रिकेट ग्राउंड को जो है दोबारा रीशेप किया गया, वो हेगले ओवल के नाम से जो है जहाँ पे जाना जाता है क्राइस्ट चर्च का जो स्टेडियम है, तो हेगले ओवल जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ दोबारा 2011 के बाद। उसकी कंस्ट्रक्शन की गई क्योंकि 2015 का क्रिकेट वर्ल्ड कप वहां पर खेला जाना था।
उस सिलसिले में 2014 में इंग्लिश जो मैं आपके शहजादे हैं लेडी डायना के साहबजादे प्रिंस विलियम अपनी बीवी के साथ जो है हेगले ओवल इसी क्रिकेट ग्राउंड में जो क्राइस्ट चर्च में है वहां पर तशरीफ लेके आए. आई थिंक 2014 का सितंबर था और एक साल के बाद वर्ल्ड कप की यहाँ मैचेस होने थे तो उस सिलसिले में इसका दोबारा इफ्तिताह किया गया. तो इस पुरसकून सिटी के अंदर दोबारा जश्न मनाया गया, क्राइस्ट चर्च दोबारा अलाइव हुआ, रौनकें बहाल हुई और ये हेगले ओवल जो है यहाँ पर मैचेस का आगाज हो गया. और उसके बाद वर्ल्ड कप की गेम्स खेली गई जहाँ पर न्यूजीलैंड को बड़ी कामयाबी मिली. आपको याद होगा कि उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम जो है वो फाइनल तक रसाई हासिल की जहाँ पर टीम ऑस्ट्रेलिया ने उनको मेलबर्न में 2015 में शिकस्त दे दी. तो अब मैं आता हूँ थोड़ा सा उसके मंजर की जानेब कि वहाँ हुआ क्या. तो अब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम जो है वो वहाँ पर टेस्ट मैचेस खेल रही थी, तीन टेस्ट मैचेस जो हैं, जो तीसरा टेस्ट मैच था आखिरी टेस्ट मैच वो इसी ग्राउंड हेगले ओवल पे आज शुरू होना था सैटरडे के रोज. वहां पर सैटरडे हो चुकी है, सैटरडे को शुरू होना था. तो उसके लिए वो प्रैक्टिस करने के लिए टीम पहुंची बांग्लादेश की हेगले ओवल में. जब हेगले ओवल में ये लोग पहुंचे तकरीबन 12:30 बजे पहुंचे तो वहां पर बादल छाए हुए थे. तो मुशफ्कर रहीम और उनकी जो टीम है बंगाली टीम वो वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए गए लेकिन उस फौरन ही बारिश की जो है वो वहां पर ग्राउंड में शुरू हो गई. उस वजह से उनको कहा गया कि हम 15-20 मिनट रुक जाते हैं और उसके बाद दोबारा सेशन शुरू करते हैं नेट्स के अंदर. तो जब बांग्लादेश की टीम वापस पवेलियन की तरफ बैठती है और बारिश का वेट करती है तो इतने में बारिश जो है वो बड़ी तेजी से शुरू होती है. 1:30 पे जो है ऑफिशियली 1:25 पे कैंसिल कर दिया जाता है कि बांग्लादेश की टीम वहां पर प्रैक्टिस नहीं करेगी हेगले ओवल में क्योंकि बारिश की वजह से जो विकेट है वो गैर महफूज है और वो जो उनका जहाँ नेट लगा हुआ था वो सेशन जो है वहां पर ठीक से नहीं हो सकता. 1:30 पे उनको बुलाया जाता है मुशफ्कर को कि आप आएँ और थोड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें. तो हर काम में कहते हैं अल्लाह की बेहतरी है. बांग्लादेश की टीम कहते हैं कि देयर कंसर्न वॉज कि उन्होंने प्रेयर्स के लिए जाना था क्योंकि जुमा की नमाज जो है वो 2 बजे होती थी मस्जिद में. तो उन्होंने रेजिस्टेंस शो की लेकिन उनके जो मैनेजर हैं अबू उन्होंने कन्विंस किया टीम को कि आई थिंक दिस इज़ नॉट बेटर. बहुत से जो मीडिया पर्सन हैं और जो काफ़ी लोग हैं जो बात करना चाहती हैं कैप्टन से चूंकि ये सीरीज़ का क्रंच मैच है, आखिरी मैच है तो उसके लिए अगर आप बात कर लें तो उन्होंने कहा कि हम 10 मिनट्स तक बात कर सकते हैं. तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये 10 मिनट थे वो उनके लिए काम आ गए. वो 9 मिनट कॉन्फ्रेंस जारी रही क्योंकि 9 मिनट के बाद जो कॉन्फ्रेंस है वो बर्खास्त कर दी गई. उन 9 मिनट के अंदर जो है वो 4.5 मिनट की ताखीर हुई. वो जो 4.5 मिनट की ताखीर सी उसमें बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को अल्लाह ताला ने बचा लिया. वो जब 4.5 मिनट की ताखीर हुई तो बांग्लादेश की टीम 1:39 पे वहाँ से निकलती है हेगले ओवल से. और हेगले ओवल से मैं आपको बताता चलूँ जो लोग नहीं जानते क्राइस्ट चर्च के बारे में, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी. हेगले ओवल इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल ओवल ग्राउंड्स. उसका जो दुरानिया है मस्जिद का वो यू शक्ल का है जहाँ पर आगे टी क्रॉसिंग है जहाँ पर ये मस्जिद वाकई है. इस मस्जिद का नाम अल नूर था, मस्जिद नूर के नाम से ये वहाँ पर है. और ये इसमें कोई पाकिस्तानी या इंडियन जो है वो यहाँ पर बड़ा कम देखने में आती हैं क्योंकि ये जो इलाका है क्राइस्ट चर्च का यहाँ पर ज़्यादातर जॉर्डेनियन मुस्लिम्स रहते हैं. जॉर्डेनियन मुस्लिम्स और इराकी सुनी मुस्लिम्स जो हैं वो ज़्यादातर डोमिनेंट इस इलाके में रहते हैं. तो वहाँ पर इस मस्जिद नूर जो है इसको डॉक्टर मोहम्मद जो हैं जिनका ताल्लुक जॉर्डन से है वो कहते हैं कि उनके अतिये से ये मस्जिद बनी थी. वो खुद यहाँ पर माशाल्लाह खिताब भी करते हैं, उनका जो बेटा है वो भी यहाँ पर इमामत करता है. तो डॉक्टर मोहम्मद जो हैं वो 1992 में न्यूजीलैंड आए थे. उसके बाद 1994-1996 के ड्यूरेशन में उन्होंने सोचा कि वाई नॉट टू बिल्ड अ मॉस्क, अल्लाह का एक घर बनाया जाए. और यहाँ पर लोकल कम्युनिटी की मदद से एक ज़बरदस्त मस्जिद बनी. उस मस्जिद नूर में यहाँ पर अभी करंटली अगले वीकेंड पे हिजाब प्रोग्राम होने लगा था उनका. बड़े अच्छे वो मुस्लिम बहन भाइयों के लिए वो प्रोग्राम्स वहाँ मुनक्कद करते हैं. तो वहाँ पर ये जुमा की नमाज होनी थी. तो जब टीम बस वहाँ पर पहुँची और रिपोर्टर्स जो हैं वो पीछे थे तो इतने में एक जो बंगाली रिपोर्टर हैं मोहम्मद, उनको तमीम इकबाल ने जो BPL के फाइनल के बेहतरीन खिलाड़ी थे उनकी कॉल रिसीव होती है और वो उनको चला के कहते हैं कि प्लीज़ टेक अस आउट देयर. और वो कुछ बड़बड़ाती हैं इंग्लिश में और कहती हैं कि वी आर अंडर थ्रेट और हमारी जान को ख़तरा है. तो वो ये समझे मैनेजर कि ये प्रैंक कर रही हैं क्योंकि उनको मजाक की बड़ी आदत है, वो आपस में बहुत उनके मजाक चलते हैं आपस में. तो वो ये समझे कि ये मैनेजर और ये मिलके उनको फूल बना रही हैं. तो वो कहते हैं कि जब ये पहुँचे रिपोर्टर वहाँ पर पहुँचे तो अभी ये डीन स्ट्रीट थी. डीन स्ट्रीट जहाँ पर इंटरसेक्शन है जो अब पुलिस ने बंद कर रखा है, वो मस्जिद नूर का इंटरसेक्शन खुलता है. उधर से गुजरते हैं तो आप मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं. तो उनको डीन इंटरसेक्शन के ऊपर पुलिस की जब गाड़ियाँ नजर आई तो उनको पता लगा कि ये कोई गड़बड़ हो गई है. तो बाद में पता चला कि तमीम इकबाल
और बांग्लादेशी क्रिकेटर जब मस्जिद के अहाते में दाखिल हुए तो उस वक्त उनको बुलेट्स की आवाज़ आई, उनको आवाज़ें आईं, उस वक्त वो अंदर जो है वो मैस डिस्ट्रक्शन जारी थी और वो बंदा फिल्म करके गोप्रो के थ्रू हेलमेट पे करके जस्ट लाइक अ वीडियो गेम ही वाज शूटिंग अराउंड। ये उल्टे पैर वहाँ भागे तो वहाँ पर रस्ते में सिक्योरिटी भी मिल गई, सिक्योरिटी ने जब पता लगा कि ये बांग्लादेश की टीम है तो उनको कहा कि आप प्लीज़ भागने से गुरेज करें, क्योंकि बांग्लादेश की टीम ये समझी जो जब उनसे अप्रोच हुआ और उनसे बातचीत हुई तो पता लगा कि बांग्लादेश की टीम ये समझी कि ये हमला उन पे हुआ है, उनको अभी तक ये मालूम नहीं था कि इसका टारगेट कौन है, बिट दे वर थिंकिंग दैट दिस इज अ टारगेट, बांग्लादेश क्रिकेट टीम इज अ टारगेट। तो उनको कहा गया कि आप भागने से गुरेज करें और सिर्फ चल के जाएं, तो वो वीडियो भी मंजर यहाँ पे वायरल हुई और वो बांग्लादेश के खिलाड़ी जो हैं वो वहाँ से चल पड़े। 2:03 पे जुमे का टाइम 2 था, चूँकि मैच शूटिंग के बाद 2:03 पे ये लोग वहाँ से भागना शुरू हुए। और सोचिए कि जब बंदे को अपनी जान की कोई पता नहीं होता कि अगला लम्हा किस चीज़ का है, मौत कितनी ज़ालिम चीज़ है, कि ये लोग टीम बस में वहाँ पर आए थे। 2.4 किलोमीटर का रास्ता है हेगली ओवल से मस्जिद नूर तक, लेकिन जब वापसी हुई तो इन्होंने ये रास्ता 7 मिनट में तय किया हेगली ओवल का पैदल। तो सोचें कि एवरेज आप 1 किलोमीटर जो है मैक्सिमम 5-7 मिनट से कम तय नहीं कर सकते, तो कितना तेज ये चले होंगे कि ये पहुंचे। और 2:17 पे ये हेगली ओवल के जो उनका सबसे बड़ा जो ड्रेसिंग रूम है जो सर रिचर्ड हेडली के नाम पे है, हेडली पेविलियन कहा जाता है उसको, वहां पर उनको मैसूर कर दिया गया और वहाँ पर वो उनको बंद किया गया और उनको बैठाया गया सेफ्टी के तौर पे। और 5:30 बजे तकरीबन जो है वो दोनों बोर्ड ने अनाउंस कर दिया कि सीरीज इज बीन कैंसल्ड और मैच जो है इसको कैंसिल कर दिया जाए। और उसके बाद 6 बजे इनको होटल पहुँचाया गया, 6:30 बजे जो है उन्होंने को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी जो उन्होंने नहीं की और ये ऐलान हो गया। एंड देट वॉज इट, दिस वॉज द स्टोरी, सैड स्टोरी। और वहाँ पर एक और सैड स्टोरी मुझे सुनने में आई, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हम रखेंगे आगे और मैं बस ये बता चलूँ आपको कि ये सेगमेंट जो डॉक्टर अदनान के साथ हम कर रहे हैं इसको आप तक पहुँचाने के लिए न्यू लाइफ डेथ सोल्यूशंस ने हमें ताउन दिया है। न्यू लाइफ डेथ सोल्यूशन 15 साल से यही काम कर रहे हैं, मीन्स कि अगर आप या आपके प्यारों में, आपके घर वालों में किसी कोई भी कर्जों के बोझ के तले दबा हुआ है, देने से कासिर है, तो भाई आप वेरी एक्सपीरियंस पर्सन जनाब अहमद मलिक साहब से कांटेक्ट कर लें। अहमद मलिक का नाम तो आपने इस वीडियो में भी कई सालों से सुना है। अहमद मलिक साहब वेरी एक्सपीरियंस पर्सन इन डेथ सॉल्यूशंस, आपका कर्जा जो है अप टू 80% माफ़ करवा सकते हैं ये, और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपका कर्जा जो है 80% माफ़ करवा सकते हैं और बाकी का छोटे छोटे किस्तों में आपको ये करके दोबारा ये समझ लें आपको अपने पाँव पे खड़ा कर देंगे। जनाब अहमद मलिक साहब न्यू लाइफ डेट सॉल्यूशंस के जनाब अहमद मलिक के साहब का फ़ोन नंबर नोट कर लें, 9057831922, बड़ा आसान नंबर है, 9057831922, अहमद मलिक न्यू लाइफ डेट सॉल्यूशन। जी डॉक्टर साहब जी बिल्कुल जी, वहीं से हम बात का स्टार्ट करेंगे, फिर हम वापस पाकिस्तान सुपर लीग पे आऊँगा कि वहाँ पर मस्जिद में एक और वाकया भी देखने में आया कि वहाँ पर जॉर्डेनियन बच्चियाँ थी छोटी 5-4 साल की, वो भी बुरे लगने से ज़ख्मी हुई हैं, उनके बाप जो थे वो वहाँ पर थे, उनके वालिद ने उनको कर लिया, अपनी बाहों में ले लिया, उन्होंने गोलियाँ खाई। और इसके अलावा वहाँ पर अभी मस्कत और दुबई में एक काम करने वाले कंसल्टेंट थे, वो आई थिंक ही वाज आल्सो जॉर्डेनियन, उनकी उम्र 52 ईयर्स थी, वो इस मस्जिद में अभी वो 2 रोज पहले ही पहुंचे थे अपने घर वालों से मिलने के लिए, उनके बच्चे वहाँ न्यूजीलैंड में मुकीम थे क्राइस्टचर्च में, तो वो उनके हमराह जुमा पढ़ने गए। उनके 2 बेटे अली और दूसरे का नाम गालबन मोहम्मद था, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग द नेम, तो उन्होंने अपने बड़े बच्चों को 24 साल और 21 साल के बच्चों को उन्होंने जब शूटर आया तो उन्होंने बिल्कुल शूटर के सामने आ गए और दोनों बच्चों को अंदर ले लिया और उसके ऊपर गिर गए बच्चों के ऊपर, तो उसने फिर खड़े होकर उनके ऊपर कमर पर फायर किए। तो ये बड़ी खुशी की बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के उसके बाद कि उनको वो उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है। बड़ी तशवीश की लहर दौड़ी थी कि उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनके बचने के चांसेस नहीं थे, लेकिन डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है और उनके दोनों बच्चे जो हैं वो दे आर सेफ। हम लोग भी इंसान हैं,
तो मैं एक बड़े रिदम में था कि आज हम शुरू करेंगे और आज हम रेडियो टेलीविजन पे आएंगे और ग्रैंड फिनाले की भरपूर तैयारी करेंगे, लेकिन इस माहौल ने हमें सोगवार कर दिया और बिल्कुल डाउन कर दिया। वाकई में मैं तो सुबह से जब से ही खबर हमारे पास आई है रात से, और उस वक्त से हम यही कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट बिकॉज वी आर मुस्लिम्स, वी आर टॉकिंग अबाउट इस्लाम, वी टॉकिंग अबाउट मुस्लिम पीपल डाइड इन दैट इंसिडेंट, मगर ये ह्यूमैनिटी की बात, मैंने हमेशा ह्यूमैनिटी की बात की है कि आप देखें कि वो भी हर शख्स का रंग, खून का रंग जो होता है ना वो लाल होता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, और उसका खून का रंग जो है वो लाल है, तो इंसानियत का खून बहा है यहाँ पर। और ये कि इंसान जस्ट हैपन्स टू बी मुसलमान, मगर इंसानियत, इंसानों को वहाँ गोलियाँ लगी हैं और इंसानियत की वहाँ पर क्या कह सकते हैं। अल्लाह ताला बस हम ये दुआ गोई हैं, हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनका अगला जहान अच्छा करे, उनके नाम माफ़ करे और उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह दे, आमीन इंशाल्लाह। तो जहाँ पर पीएसएल की बात करें, जी बिल्कुल जी, जहाँ दुनिया चल रही है वहीं पर दुनिया के काम भी चलते रहते हैं, और पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो भी रवान दवा है, और पाकिस्तान सुपर लीग में जो है मेरे पास इस्लामाबाद यूनाइटेड के, अगर आप फैन हैं तो मेरे पास कुछ अच्छी खबरें नहीं है आपके लिए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट एंड दे हैव बीन नॉक्ड आउट फाइनली इन द एलिमिनेटर टू, जो कि बेसिकली टर्मिनेटर था, वहां से इस्लामाबाद की टीम का खात्मा हो गया है। टूर्नामेंट की दो बेहतरीन टीमें, अब जो अगली, पहली खबर तो अच्छी नहीं थी लेकिन दूसरी खबर जो है बड़ी अच्छी है, मेरे पास अच्छी खबर ये है कि इस पाकिस्तान सुपर लीग के चार एडिशन में जितने फैंस कोटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर जेलबी के हैं, इससे ज्यादा फैन फॉलोइंग शायद ही किसी और टीम की हो। तो ये बड़ा खुशाइंद है कि कराची नेशनल स्टेडियम में जहां पर 25,000 लोग इकट्ठे होंगे और जहां पाकिस्तान क्रिकेट की, पाकिस्तान सुपर लीग की दो बेहतरीन टीमें सामने आएंगी, वहां कोई चांस नहीं है कि ये वन साइडेड मैच होगा। अगर आप, मैं गलती पे नहीं हूं और आप अगर, आपको अगर भूले नहीं है तो मैं आपको बताता चलूं कि पिछले तीन एडिशंस में दोनों टीमें जब प्लेऑफ्स के दौरान जब ये डेथ राउंड में मिली एलिमिनेटर्स में और क्वालिफायर्स में, तो विक्ट्री का मार्जिन माजिद भाई सिर्फ एक रन था। पहले दोनों एडिशंस में कोटा ग्लेडिएटर्स ने शिकस्त दी पेशावर जर्मी को एक रन से, और हिस्ट्री रिपीट हुई, तारीख रिपीट हुई, और 2018 में पिछले साल डेरन सेमी की पेशावर जर्मी ने कोटा ग्लेडिएटर्स सरफराज अहमद की टीम को एक रन से शिकस्त देकर हालात जो हैं वो नॉर्मल कर दिए। इस दफ़ा आम ख्याल ये था कि जब क्वालिफाई हुआ तो दोबारा हम चौथी मरतबा देखने जा रही हैं, लेकिन कोटा ग्लेडिएटर्स दोबारा जो है उनका फतह का पल्ला भरी रहा प्ले ऑफ राउंड्स के अंदर। अब कोयटा जो है वो तीन दफ़ा शिकस्त दे चुके हैं पेशावर जेलमी को, लेकिन जो तीसरी जो फतह थी वो एक रन से नहीं बल्कि उसके आगे उन्होंने सिफर लगा दिया, वो दस रन से थी। इट विल बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम। और आपको बताता चलूं कि टू ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम्स ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग, इससे ज़्यादा कंसिस्टेंसी हमने पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर नहीं देखी, और ये जो ग्रैंड फिनाले होगा ये दोनों टीमों के माबैन तीसरा फाइनल होगा, थर्ड फाइनल बिटवीन ग्लेडिएटर्स एंड जेलमी, और जो बेस्ट बॉलिंग अटैक है वो सामने आएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मरकूज हैं कि हम थोड़ी सी बैटिंग को पीछे कर देते हैं, यहाँ पर कमी है, इमाम है डाउन द ऑर्डर, फिर सेमी और पॉलर्ड, बड़ी खतरनाक वेस्ट इंडियन जोड़ी है जेलमीज के पास। तो इसी तरह अगर ग्लेडिएटर में जाएं तो शेन वॉटसन और अहमद शहजाद, दे आर एक्सप्लोसिव, शेन वॉटसन इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ टाइम। अब देखना यह है कि कोयटा दोनों तीन मरतबा फाइनल जो है तीन मरतबा फाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन पेशावर जेलबी की टीम एक मरतबा फाइनल जीतने में कामयाब हुई है, और यह बात जहन में रहे कि कोयटा ग्लेडिएटर्स वो बदकिस्मत टीम है जिसने आज तक फाइनल जीतने का एजाज हासिल नहीं किया, लेकिन जब भी वो फाइनल में पहुंचे उनको अपने मार्की प्लेयर जो हैं, जो प्लेटिनम कैटेगरी है, शेन वॉटसन की खिदमात हासिल नहीं थी। शेन वॉटसन कभी भी पाकिस्तान नहीं आए, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि शेन वॉटसन इज़ देयर। खतरे की घंटी बज चुकी है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि डेंजर मैन शेन वॉटसन इज़ द गेम चेंजर, शेन वॉटसन। और इसी तरह अगर नाज़रीन को याद हो या जो सुन रहे हैं हमें या फेसबुक पे देख रहे हैं कि शेन वॉटसन जब खेलेंगे कोटा ग्लेडिएटर से तो वहाँ पर पेशावर जेलमी से डोंट फॉरगेट के वहाब रियाज बॉलिंग करेंगे। 2015 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल जब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ था तो वो फेमस स्पेल सबको याद है, तो वो फेमस रिवलरी भी सामने आएगी। बड़ा एक क्रंच मैच, एक जेम ऑफ अ मैच देखने को मिलने जा रहा है हमें। और इसके अलावा आपको बता दूं कि दोनों टीमें जो हैं वो टूर्नामेंट की बेहतरीन बॉलिंग जो है वो इनके पास है, इससे बेहतरीन बॉलिंग पाकिस्तान सुपर लीग की किसी टीम के पास नहीं है। दैट्स व्हाई दे मेड इट टू द कंसेक्यूटिव थ्री ग्रैंड फिनालेस।
बात करेंगे पहले पेशावर जलमी की, आज के मैच में मैं आऊंगा, लेकिन पहले मैं बता दूं कि पेशावर जलमी के पास वहाब रियाज और हसन अली विच इज़ अ जेम ऑफ अ पाकिस्तान क्रिकेट, उनकी खिदमत हासिल होंगी। वहाब रियाज ने आज जो एक गेंद फेंकी वो 151.9 किलोमीटर पे थी, तो ही इज जनरेटिंग पेस लाइक एनीथिंग। कराची की जो नेशनल स्टेडियम की विकेट है उसमें कोई जान नहीं है, स्पिन को कोई मदद नहीं मिली, और उसमें हार्ड सर्विस है जो बैंक करेगा गुड लेंथ के ऊपर बॉल को, वही टीम जो है वो कामयाब रहेगी। आपने देखा कि कराची के जो बॉलर्स हैं आमिर जमीन, जिनको जिनके बारे में आम ख्याल ये था कि वो विकेट्स नहीं लेंगे, आमिर जमीन तक स्ट्राइक करते रहे क्योंकि वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट नहीं कर रहे थे, कोई यॉर्क करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, सिर्फ वो अपनी अकल से बॉलिंग कर रहे थे। ही वाज ट्राइंग टू बैंग इट हार्ड ऑन द सर्विस, गुड लेंथ पे हार्ड ऑन द सर्विस बैंग कर रहे थे, और यही काम आज वहाब रियाज कर रहे थे। तो वहां पर टाइमल मिल्स होंगे, वहाब रियाज होंगे, क्रिस जॉर्डन होंगे, हसन अली होंगे, कैरन पॉलर्ड होंगे, तो इनकी खिदमत हासिल है, तो एक बॉलर्स की बोछाड़ है। तो अब पेशावर जलमी के पर मैं रुख करता हूं, दूसरी टीम जो कि मुइन खान, सरफराज अहमद और कोटा ग्लेडिएटर्स की टीम है। कोटा ग्लेडिएटर्स के पास डीजे ब्रावो होंगे, मोहम्मद हसनैन होंगे, सोहेल तनवीर जो कि CPL के बेहतरीन बॉलर हैं वो होंगे, फवाद अहमद होंगे, मोहम्मद नवाज होंगे, तो इतना बैलेंस्ड अटैक जो है कोयटा के पास है, स्पिन और फास्ट का जो कॉम्बिनेशन है। तो ऑन द पेपर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा 50-50, मैंने आपको कभी नहीं कहा कि 50-50, हमेशा मैं यही कहता हूं कि जो अच्छा खेलेगा बुरा खेलेगा, या 70-30 या 60-40, ये मैच इज अ प्योर 50-50 मैच, बिल्कुल पॉइंट्स टेबल पे आप देख लें, पेपर के ऊपर देख लें, मार्किंग कर लें, प्लेयर्स को साथ साथ खड़ा कर लें, नेक टू नेक, इसको प्रेडिक्ट करना इतना मुश्किल है कि आप सोच है आपकी कि मैं चले सही है। मैं आपसे मेरी हमेशा क्वेश्चन होता है आपसे कि आप जो पिक करें किसको, आपने मुझे बीट कर दिया आज, पहले ही 50-50 कह दिया। अब आप ये बताइए कि बॉलर्स तो बड़े टॉप के हैं, तो स्कोर कितना करेंगे? स्कोर देखें, अब दोनों टीमें वो हैं जिनके पास पोटेंशियल है 200 प्लस स्कोर करने का। पेशावर जलमी ने आज आपको बता दिया, पेशावर जलमी ने जो आज स्कोर किया वो 214 रन बनाए, 214 for 5, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसमें सेंचुरी शामिल नहीं थी। अमूमन ये होता है कि जब हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं तो 100 रन बनते हैं या 85 बनते हैं, 95 बनते हैं। सिंपल आज उन्होंने फार्मूला किया कि विकेट्स लूज नहीं करनी एंड हिटिंग द बॉल राइट फ्रॉम द स्टार्ट। क्या हुआ, कामी 74 on 43 बॉल्स, इमामुल हक जिन पर काफ़ी तनकीद हो रही थी बड़ा अच्छा खेले, 33 बॉल्स के ऊपर 58 रन बनाए। लास्ट सीजन में उनको किसी टीम ने चुना ही नहीं, कोई भी फ्रेंचाइज उनको रखने को तैयार नहीं थी, तो इस मरतबा उन्होंने 58 रन बनाए। कैरन पोलर्ट 37 और डेरन सेमी हमेशा की तरह नीचे आए, 15 बॉलों में 30 कर गए। अब देखिए छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन थे, कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं था 214। सेम सलाहियत कोटा ग्लेडिएटर्स के पास है, अहमद शहजाद आप जानते हैं पाकिस्तान के वो पहले खिलाड़ी सेंचुरी बनाने वाले T20s के अंदर, तो उनकी स्पीड का आपको वैसे ही अंदाजा है कि वो किस स्पीड से खेलते हैं। शेन वॉटसन किसी तौरफ के मोहताज नहीं, डोमिनेंट बैट्समैन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया एंड किलर इंस्टिंक्ट फॉर द बॉलर्स ऑन दिस गिवन डे, उससे ज्यादा खतरनाक और कोई खिलाड़ी नहीं है। तो अब देखें कि दोनों का जो स्टार्ट है वो बिल्कुल इक्वल है, मैंने आपको कहा ना कि कार्ड्स भी उन दोनों के इक्वल हैं, और इतनी सिमेट्री किसी और टीम में शायद ही हमने देखी हो कि जितनी सिमेट्री इस दोनों टीमों में आ रही है कि दोनों नेक टू नेक जो है वो चल रहे हैं। आपको थोड़ा सा बता दें आज के मैच के बारे में, जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है शायद उनको मालूम ना हो कि पाकिस्तान सुपर लीग में क्या हो रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे सीजन के अंदर ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है, जो ट्रेडिशनल दो टीमों पेशावर जलमी और कोटा ग्लेडिएटर्स खेलने जा रही हैं। पेशावर जलमी की नुमाइंदगी जो है उसको जो लीड कर रहे हैं मशहूर ज़माना डेरन सेमी खान ऑफ पाकिस्तान नजाद वेस्ट इंडीज़ जो है वो कर रहे हैं, जबकि कोटा ग्लेडिएटर्स की नुमाइंदगी जो है और जो उनको लीड कर रहे हैं वो पाकिस्तान के विकेट कीपर और पाकिस्तान के कैप्टन सरफराज अहमद कर रहे हैं, जबकि कोचिंग के जो फ्राइज हैं वो विव रिचर्ड्स कर रहे हैं, एंड इज़ अ मेंटोर एंड अ थिंक टैंक बिहाइंड द बेंचेस फॉर द कोटा ग्लेडिएटर्स। इसके अलावा उनको मुइन खान की खिदमत हासिल हैं, इसके अलावा उनको अब्दुल रजाक की खिदमत हासिल है। ऐसे ही पेशावर जलमी को अपने बैक बेंचेस के ऊपर मोहम्मद अकरम जैसे पेसर की जो है वो खिदमत हासिल है। एक और चीज़ बता दूं आपको कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के हारने की वजूहत एक ये भी है कि जहां तक मैं समझता हूं कि एक तो ल्यूक रोंकी नहीं चले, ल्यूक रोंकी जो है जब ना चले तो आपका मोरल डाउन हो जाता है। ल्यूक रोंकी इज द मैन हु इज अ वन मैन शो फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड।
लूक रोंकी को जो आउट किया पेशावर जेलमी ने, और इसके अलावा डेल पोर्ट को जो निकाला, ही हैज मेड द 49 बॉल 100 विच इज द फास्टेस्ट एवर 100 इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग. तो ये एक बड़ा एक उनके लिए डायलमा था. उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आज के आज जब इस्लामाबाद यूनाइटेड खेलने आया, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुझे एक चीज पसंद आया, उनका मिडिल ऑर्डर बड़ा स्ट्रांग है. इनका मिडिल ऑर्डर खत्म होने का नाम ही नहीं लेता. जिस तरह इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर है वो खत्म ही नहीं होता, टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर है वो खत्म ही नहीं होता, तो इनका मिडिल ऑर्डर भी जिसमें फहीम अशरफ हैं, शादाब हैं, ऊपर अप द नंबर्स हुसैन तलत हैं, आसिफ अली हैं, लेकिन आज आसिफ अली को उन्होंने ट्रैप किया बड़ा अच्छा, बगैर कोई रन बनाए हुए आउट हो गए. डेल पोर्ट ना चले, एलेक्स हेल्स जो इंग्लिस्तान के मरूफ खिलाड़ी और मरूफ ओपनर हैं इंग्लैंड के, वो इस सीज़न में खेलने के लिए लेट पहुँचे. दो चेंजेस की गई थी, दो खिलाड़ी जो हैं वो चेंज किए गए थे. बेसिकली एलेक्स हेल्स जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया था इस्लामाबाद यूनाइटेड को, कराची में वो पहली दफ़ा खेलने आए. उधर से क्रिस जॉर्डन जो हैं इनकी कैटेगरी आई थिंक सप्लीमेंट्री कैटेगरी में पिक किया था, जब ड्राफ्टिंग हो रही थी तो पेशावर जलमी ने क्रिस जॉर्डन को सप्लीमेंट्री कैटेगरी में पिक किया था. ये दोनों खिलाड़ी आए, और किस्मत खुदा की कि एलेक्स हेल्स उनको पिछला मैच बिचा गए, मैन ऑफ द मैच करार दिया गया. उन्होंने पिछले क्रंच मैच में कराची किंग्स को एलिमिनेटर वन से बाहर कर दिया, वो जीत गए, लेकिन सेकंड मैच में आज वो कुछ ना कर सके. आज उनकी परफॉर्मेंस वही थी जो उनकी इंग्लैंड टीम में पाकिस्तान के खिलाफ होती है. क्रिस जॉर्डन वहाँ से गैर मामूली फील्डिंग भी कर गए, और बड़ा अच्छा फील्डिंग में ब्रिस्क अपना इमेज दिखा के उन्होंने दोबारा प्रूव किया कि वाई ही इज़ अ पार्ट ऑफ पेशावर जलमी और सप्लीमेंट्री कैटेगरी. और आपने एक और चीज़ में प्लस पॉइंट देता हूँ पेशावर जलमी को, कि उनका कैरेबियन रिदम जो है वो बड़ा अच्छा बन गया है. जब डीप में इकट्ठे होते हैं डेरिन सेमी और कैरन पोलर्ड, दैट इज हेल्पिंग देम वेरी मच. इसी तरह जिस तरह कुछ लीग्स के अंदर मैं देखा करता था कि जब मुरली और जयवर्धने इकट्ठे होते थे, या जयवर्धने और कुमार संगाकारा इकट्ठे होते थे, तो उनकी हारमनी बड़ी बनती थी. वर्ल्ड इलेवन में जब मुइन खान विकेट के पीछे होते थे और वसीम अक्रम को एज अ बॉलर शामिल किया जाता था, तो उनकी हारमनी बड़ी अच्छी होती थी. तो हमने देखा कि इस टूर्नामेंट की बेस्ट हारमनी बनी है जो कंट्री वाइज, वो इन दो की वजह से बनी है, कैरन पोलर्ड और डेरन सेमी. उन्होंने सिंगल हैंडली दो मैच भी पेशावर जलमी को जितवा दिए. तो आज जो टोटल था वो कामी ने 74, इमाम ने 58, कैरन पोलर्ड 37, डेरन सेमी 30. और इसके अलावा मैं देखना चाहता हूँ कि ये 214 रन बनाए उन्होंने, और कोई खातरख्वाह बॉलिंग नहीं हुई. डेल पोर्ट जो ने कोशिश की, लेकिन डेल पोर्ट को रन्स बड़े पड़ गए, 24 रन उनको पड़े. लेकिन रोमान रईस जो है बड़े एक्सपेंसिव रहे, पाकिस्तान के स्टार जो चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार थे पाकिस्तान के 2017 के, उन्होंने कोई विकेट नहीं ली और 48 रन दे दिए, जो बड़े पे बैक किए. इसके अलावा दूसरे जो फहीम अशरफ थे, जो बड़ी इनसे तवक्कुआत वाबस्ता थी कि ही इज़ ऑल्सो अ गेम चेंजर, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वार्म अप गेम में सभी जानते हैं कि श्रीलंका के खिलाफ कैसे उन्होंने पासा पलटा गेम का, तो उसके फहीम अशरफ भी कुछ करने में कामयाब न हुए आइदर विद अ बैटर बॉल. और शादाब खान ने एक बिग क्वेश्चन मार्क लगा दिया है मेरे लिए कि वाई ही शुड बी द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम इन द वर्ल्ड कप. शादाब से मुझे बड़ी तवक्कुआत थी, ब्रिलियंट स्पिनर, थिंकिंग विद अ ब्रेन एंड बैटिंग विद अ हार्ट एंड अ बिग हार्ट, करेज के साथ बैट करते हैं. लेकिन जब शादाब आए तो उन्होंने 9 बॉल्स खेली और एक भी रन बनाए बगैर आउट हो गए, तो वो बड़ा क्रंच टाइप था. तो अगर शादाब वहां स्कोर करते तो माइट भी ये विक्ट्री का मार्जिन जो इतना ज्यादा आपको लगा आज 48, ये शायद 15 या 16 पे आ जाता. तो फिर भी हम कहते हैं कि इस्लामाबाद ने अच्छी आखिर में जंग लड़ी. लेकिन आखिर में मुझे नहीं मालूम कि क्यों शादाब जो है वो थोड़ा कोलैप्स हो गए. इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि अब एक समस्या आपसे करना है, वो कराची किंग्स को क्या हुआ कल? कराची किंग्स, मुझे अब चूंकि अब इतना वो कराची किंग्स मतलब दे वर सो नर्वस कि उनके कितने खिलाड़ी रन आउट हो गए और दे कुडंट डू एनीथिंग. कराची किंग्स में बिल्कुल आती है, मुझे अगर आप एक सेकंड दें और मैं अपने सामने स्कोर कार्ड ले लूं, क्योंकि उस मैच का मुझे थोड़ा फिगर्स जो है कुछ भूल गए हैं कराची किंग्स. लेकिन जितनी भी तारीफ करूंगा मैं, शुरू में कराची किंग्स ने शुरू किया तो दो ओवर्स में उन्होंने 32 रन बना दिए. बिल्कुल, तो मैं समझा कि वो 200 को पार कर जाएंगे. और फिर ऐसा, हाँ बिल्कुल अब वो मैच याद आ गया, वो ऐसा मैच एब्जॉर्ब हो रहा है क्योंकि इतने क्राइसिस में हम लोग थे, क्राइस्टचर्च के वाकये के बाद, कि दिमाग नहीं चल रहा था. बिल्कुल, कराची किंग्स जब कल खेलने आए तो बिल्कुल देखें, इससे ज्यादा अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप आपको क्या मिलेगी. मैंने कल भी अपने ये कहा था, मैंने अपने शो में और दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि दो टीमें जो है ना, मुझे उनके हालात ऐसे लगते हैं जब अचानक उनको क्या होता है कि वो लगता है कि पाकिस्तान टीम खेल रही है. एक तो है लाहौर कलंदर राणा साहब की, वो जब कोलैप्स,
एक दिन बनाती है 200 रन, दूसरे दिन बनाती है 48. वो याद, और कलर भी ग्रीन पहनते हैं ऊपर से, तो वो मुझे याद ताजा हो जाती है पाकिस्तान टीम की. तो अब जो कराची किंग्स हैं यार, तुम लोग तो ब्लू कपड़े पहनते हो यार, कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ तो हिस्ट्री बदलो, कुछ करो. लेकिन अब कराची किंग्स जो कल खेले, 6 विकेटें जो है वो 28 रन पे गिरी आखिरी, जो मैं कहता हूँ कि क्रिमिनल है किसी T20 गेम के अंदर. इसकी कोई माफी नहीं है इतने क्रंच मैच के अंदर. वसीम अकरम और मिकी आर्थर जैसा थिंक टैंक आपके पास है, अजहर महमूद आपके साथ है, थिंक टैंक लाइक मिकी आर्थर जो पाकिस्तान टीम का भी थिंक टैंक है, इतनी हार्मनी आपके अंदर है. पाकिस्तान का बेस्ट ऑलराउंडर इमाद वसीम आपका कप्तान है, पाकिस्तान का बेस्ट पेसर मोहम्मद आमिर आपके पास है. उनकी शिकस्त की वजूहत में एक ये भी मेन वजह थी कि बैट्समैन तो कोलैप्स हुए ही हुए आखिर में, 28 रन के ऊपर बॉलिंग अच्छी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, उन्होंने बांधा. फहीम अशरफ वाज एक्सेप्शनली गुड, शादाब वाज गुड, दे वर कंट्रोलिंग द बॉल, बॉल पे कंट्रोल अच्छा था. लेकिन जो मोहम्मद आमिर, उनकी क्या जस्टिफिकेशन है कि मोहम्मद आमिर ने, ठीक है वो एक ट्रामा से गुजर रहे थे, वो अपनी वालदा की खबर के बाद उन्होंने टीम वापस ज्वाइन की, वॉज इन द स्ट्रेस, वी प्रे फॉर हर हिज मदर. लेकिन आमिर देखें, जो की बॉलर होता है, पाकिस्तान ओवर द डेकेड्स मैच जीता दूसरी टीमों से वसीम अकरम और वकार यूनुस की वजह से. पाकिस्तान की टीम बैटिंग करती थी, स्कोर तो आप उस वक्त भी इतने बनाते थे, 125 165 175, लेकिन आपका जो डेथ बॉलर है या आपका जो की बॉलर है, विकेट टेकिंग बॉलर, अगर वो विकेट नहीं लेगा तो आप वन डे मैच या T20 मैच नहीं बचा सकते. उस वक्त भी आप बनाते इतना ही थे, 150 160. हमारी तो किस्मत ही नहीं कि हमने कभी 250 रन देखे हों या हमने ODI में 300 रन देखे हों, लेकिन हमारे बॉलर जो है हमें बचा लेते थे. चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता, इंग्लैंड में जीता, हमने बड़े लाइव शोज किए चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर. चैंपियंस ट्रॉफी आप क्यों जीते, चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया से हारने के बाद इंडिया ने वहां 300 स्कोर कर दिया था, आप वहां मैच हार गए. उस मैच के बाद आप ग्रैंड फिनाले तक कोई भी मैच नहीं हारे. कोई भी मैच आप उठा लें जहां मुखालिफ टीम ने आजकल की क्रिकेट के अंदर जो मर्द हार की क्रिकेट है 240 रन से ऊपर स्कोर नहीं किए थे. क्रेडिट गोज टू द बॉलर, उन्होंने विकेट्स ली, ऑल आउट किया, साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी, हाशिम अमला की टीम को शिकस्त दी, इंग्लैंड की टीम को उनके घर में शिकस्त दी, श्रीलंका को शिकस्त दी. इन सबको कैसे शिकस्त दी, अपनी बॉलिंग की वजह से. तो कराची किंग्स, अगर मैच विनर बॉलर मोहम्मद आमिर विकेट नहीं लेंगे तो कराची किंग्स मैच नहीं जीत सकता. और यही हुआ कराची किंग्स के साथ. कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए बाबर आजम, इट वॉज अ गुड साइन कि बाबर आजम जो कि मिकी फेवरेट बॉय, उन्होंने 42 रन बनाए, बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया. कॉलिन मुनरो जिन्होंने हाल ही में अभी सेंचुरी भी बनाई थी और बड़ी फॉर्म के अंदर है, उन्होंने 32 रन की बाली डाली. लिविंग स्टोन भी है, उसके बाद तो फिर हाँ लिविंग स्टोन ने 30 बनाए, और उसके बाद मुझे कॉलिन इंग्राम ने भी सेंचुरी बनाई, बड़ी बेहतरीन बारी खेली. और उनके 23 रन के बाद मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा. बेन डंक 12, इफ्तिखार अहमद 1, इमाद वसीम 13, आमिर जमीन 1, मोहम्मद आमिर 3, उमर खान 0. तो इतनी लंबी जब आपने टेल चलाई, 6 बंदे आपके डबल फिगर्स में नहीं किए, तो आपका कोई हक नहीं है कि आप एलिमिनेटर 2 या ग्रैंड फिनाले जो है वो खेलने में कामयाब हो. तो इसके अलावा जब इस्लामाबाद ने वो बारी स्टार्ट की तो बड़ा अच्छा मौका मिला था वहाँ पर, लेकिन दोबारा हमने देखा कि आपने कहा कि शिकस्त के असबाब क्या थे, कि देखें आमिर जमीन एक उनके मुकाबले में, शनवारी के मुकाबले में एक छोटे लेवल के बॉलर हैं, कि वो उस तरह से नहीं खेल सके जिस तरह से इनको मौका मिला. शनवारी को पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका मिला, उनका होराइजन बहुत ज़्यादा है शनवारी का, लेकिन शनवारी एक्स्ट्रा यूजुअल पेस कोशिश कर रहे थे, लेग साइड पे बॉलिंग कर रहे थे, उनकी वाइड जा रही थी, वो लेग साइड से चौके खा रहे थे. इसके अलावा शनवारी जो है वो यॉर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े पुअर हमने स्लो बॉल देखे उनको, इतना खूबसूरत स्लो बॉल हसनैन ने फेंके और लड़कों ने फेंके, शनवारी ने 3 स्लो बॉल फेंके और तीनों स्लो बॉल जो है वो बैट्समैन ने रीड कर लिए. उनके हाथ की मूवमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी वो स्लो बॉल फेंकने के लिए. ल्यूक रोंकी को उन्होंने आउट कर लिया, 5 रन पे जब निकाल लिया तो देखिए फिर भी मैच बन सकता था, लेकिन कैमरॉन डेलपोर्ट ने उस पर 38 बनाए, एलेक्स सेल्स ने 41 बनाए, एंड देन दे टुक द मैच अवे. डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका. जाने से पहले बस एक ही बात पूछूंगा आपसे कि कौन जीतेगा. थैंक यू. कौन जीतेगा, इट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन. आपने कहा कि 50-50, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, मगर आप गट फीलिंग कह रहे हैं, आप गट फीलिंग में एक टीम पिक करें सर. गट फीलिंग जो है मुझे ये लगता है कि यानी कि मैं ये कहता हूं कि चूंकि है ये सब पाकिस्तान के रंग,
पेशावर जैलमी भी मेरा पाकिस्तान है और कोटक ग्लेडिएटर्स भी मेरा पाकिस्तान है, लेकिन कोटक ग्लेडिएटर्स की टीम जो है वो थोड़ी बदकिस्मत टीम है, दो दफ़ा फाइनल खेल चुके हैं, दो दफ़ा हार चुके हैं, अब तीसरी दफ़ा जा रहे हैं, ये PSL की इंग्लिश टीम है। तो मैं चाहता हूं कि ग्लेडिएटर्स की टीम अगर यहां पर कोई अच्छा करने में कामयाब होती है तो इट विल बी अ वेरी गुड फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट। और जो कोयटा का इलाका है, बलोचिस्तान का इलाका है, वहां बहुत बलोची भाई है हमारे। आप कोयटा को पिक कर रहे हैं? तो मैं समझता हूं कि कोयटा ग्लेडिएटर्स का जीतना जो है, अगर वो जीते हैं तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छा होगा कि चलो कोयटा की टीम बहुत बदकिस्मत है, लेकिन अगर इक्वली पेशावर जैलमी जीतती है तो मुझे बेपना खुशी होगी। पेशावर जैलमी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। नहीं, आपने एक टीम पिक करनी है, तो आप कौन सी वाली टीम को पिक कर रहे हैं? देख, नहीं, पिक करना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है ये। भाई, दिस इज बिटवीन यू एंड आई। तो ठीक है, कोटा ग्लेडिएटर जो है वो पेपर्स के ऊपर थोड़ा सा मार्जिन है पेशावर जैलमी से। कोटा को पिक किया? पिक, देख, नहीं, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि फिर वही बात, नहीं, आप समझने की कोशिश करें। नहीं नहीं, मैं हमेशा आपसे इसी बात पे, नहीं, मैं आपको गट, नहीं, मैंने आपको गट फीलिंग बताई, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर पेशावर जैलमी जीतता है तो मैं इतना खुश हूंगा, आई विल बी डिलाइटेड। नहीं, यानी कि ये नहीं कि मुझे दुख होगा। दो दो टीमें जीत नहीं सकते हैं डॉक्टर साहब, एक टीम को जीतना है। हाँ, तो आप मुझे बताएं कोयटा क्यों से, पेशावर पी से, आप बताएं कौन सी टीम आपने पिक की है? जो अभी जो सूरत हाल है, यही लगता है कि क्यू फॉर कोयटा जो है इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग फॉर दिस फाइनल, क्योंकि कोयटा जो है, देखें, वो उन्होंने पेशावर जैलमी को लीग मैच में भी हराया, तो वो साइकोलॉजिकली एडवांटेज जो है उनका ऊपर है। तो आपने कोयटा को पिक किया है, कह सकते हैं कि कोटा इज आ, आपने यस नो कहा है, आपने कोटा को पिक किया? नहीं, कोटा को मैंने, देखे, असल में होता ये है कि इतने कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, नहीं, कोटा को मैंने पिक किया है, क्योंकि आगे नहीं जाएंगे, लेकिन पेशावर जैलमी जो है वो भी मेरी टीम है। नहीं, आपने कोटा को पिक किया, मैं पेशावर को पिक करता हूं। अच्छा, आप मेरे मुकाबले में पिक करेंगे कि जो आपने ऑपोजिट चुनना है? वही टीम है, दो ही टीमें रह गई ना। तो आप कोटा को नहीं पिक करेंगे? आप? नहीं, मैं कोटा को पिक नहीं करूंगा। कोटा को पिक नहीं करूंगा, मैं पेशावर जैलमी को पिक करूंगा, उसका मैं शर्ट भी पहन के आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर, ऑलवेज ऑलवेज माय प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड विद योर एक्सपर्टीज, हमें बड़ी खुशी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सब व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया फेसबुक के ऊपर। थैंक यू सो मच, वी लव यू ऑल। कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम लेते हैं, फिर हम वापस आएंगे।